परांठा कैसा लगा? आप तो खा भी लिया आपने तो। मेरे को खाया। अरे आपके बर्तन भी किचन में पहुंच गए। किसने खाया? अरे बता ना। तो सो के उठी हूँ। तो पागल है क्या तू? अभी शाम को सो रही है तू? सो के उठ गई। सो के उठ गई है। अरे परांठा कैसा लगा? कौन सा परांठा? जो अभी पेट में गया है। अरे अरे जम्बो परांठा जो पेट में गया। वो भी भूख लग रही, कुछ खा दे, को दे दो। हाय हाय, मैंने अपना नहीं खाया, मेरा ही खा ले जाके। आपको कैसा लगा परांठा? जरा इधर शकल दिखा दे। खाना कैसा लगा आपको? आपको सही लगा? ये देखो मस्त लेते हैं पोज। पापा का पोज देखो। पार्टी तूने तो खा ही लिया। मैं ही लेट हो गई। हाँ भाई कैसा रहा? सही लग रहा है? घीए का, घीए का जम्बो परांठा। तेरा कैसा विचार है भाई? बहुत स्वाद था। सही में स्वाद था? अभी बेवकूफ बना रहे मुझे। सही में स्वाद था। ठीक है, तू लग जा मोबाइल पे और ये लग जाए लैपटॉप पे। पापा लग रहा है खाना खाने, काम ही कोई नहीं है। और मैं जाके अपना जम्बो परांठा, ये क्या कर रही है? बीच में क्या डाल दिया तुम्हें? चलो ठीक है, मैं अपना जाके टेस्ट करूँ। सबसे पहले हम लोग आटा बना लेते हैं। तो आटा मैंने निकाल लिया है। अब इसमें ये देखिए मेरा दही जमा हुआ है, इन्होंने जमाया, बहुत ही अच्छा जमाया। देखो कितना अच्छा दही जमाते हैं। अब मैं इन्हें से कह देती हूँ तुम्हें जमा लिया करो, ठीक है? तो मेरे को फ़ायदा होता है। अब इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच दही। आटा ज़्यादा ही, ऐसे ज़्यादा ही दही डाल लेती हूँ। 3-4-5 चम्मच डाल लेती हूँ ताकि आटा जो है सॉफ्ट बने। ठीक है, 5 चम्मच दही हो गया। इसमें अब बाकी चीज़ इसको साइड कर देते हैं। मैंने पानी ले रखा है पास में। अब इसमें नमक वगैरह डाल लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है? फिर मैं आटा गूंद लेती हूँ, इसको नमक डाल लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ी सी मिर्च, हरी मिर्च तो मिल नहीं रही है इसलिए लाल से काम चलाना पड़ रहा है। थोड़ा सा अजवाइन, ठीक है? बस ये 3 चीज़ें डल गई हैं। और अब मैं जो है धनिया पाउडर डिब्बी में ख़त्म हो गया, बाद में अभी डाल लूँगी। अब इसको मैं आटा गूंद के रख लेती हूँ अच्छा सा, ठीक है? थोड़ा सा 1-2 चम्मच ऑयल भी डालूंगी, उसके बाद मैं इसको आटा गूंद के रख दूँगी, क्योंकि आटे को थोड़ा रेस्ट भी करवाना है इसलिए पहले आटा गूंद लेते हैं, ठीक है? गिलास पकड़ के बैठी हुई हूँ। कल वीडियो नहीं बनाई मैंने, कल पता नहीं मेरा मन ही नहीं करा वीडियो बनाने का। सोचा चल छोड़ के अब बनानी है, कुछ मूड भी ठीक नहीं था। रात को तो मूड ख़राब हो गया, मैंने काम मैंने बोला खाना नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि क्या होता है कि हस्बैंड सारा दिन मोबाइल खेलते रहते हैं, बच्चे मोबाइल और लैपटॉप पे लगे, मतलब अलग एक्स्ट्रा काम करते हैं। नहीं तो मुझे गुस्सा आया, मैं कहा मैं ही सारा दिन किचन में खर्ची रहूँ मैं, तो फिर मैंने इसलिए कल जो है ना वीडियो नहीं, मैं खाना नहीं बनाया, मैंने सोचा मैं खाना नहीं बनाऊंगी। जब मैं बैठ गई ना, मेरे को गर्मी भी बहुत लग रही थी, फिर मैं रात को नहाया भी, ठीक है? और उसके बाद मैं बैठ गई कि करूँ क्या, मूड ठीक कैसे करूँ। तो फिर जब देखा कि मैं बैठ गई हूँ खाना ही नहीं बना रही हूँ, तो हुआ क्या कि हस्बैंड उठ के लग गए काम। कभी खीरा काट के दे रहे हैं, कनिका ने मेरे को दूध गर्म करके दिया है ना। फिर मैंने ना कल दोपहर को बनाई थी रोटी, और तो उस रोटी का आटा हो गया ख़त्म, तो मैंने क्या किया था, अपने लिए चावल बना लिए थे सिंपल वाले, और 2 सब्जियां फ्रिज में ऑलरेडी पड़ी हुई थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने उसके बाद चावल खा लिए थे सिंपल वाले। तो वो चावल जो थे ना काफ़ी सारे पड़े थे, 1 गिलास बनाए थे तो मैंने सारे थोड़ी खाने थे, थोड़े बहुत खाए, बाकी सारे पड़े गए थे। वो चावल पड़े थे, हस्बैंड बेचारे कहते कि मैं वो चावल दही डाल के खा लूँ। मैंने कहा ऐसा है कि वो चावल क्या खाओगे, वो तो सिंपल चावल है, उसको दही डाल के कैसे खाओगे? तो फिर फिर मैं उठी, उठ के मैंने ना वो चावल फ्राई कर दिए, फ्राई करके दे दिए, काफ़ी थे। एक तो इसके पापा को दे दिए, कुछ कनिका को दे दिए, कुछ स्वाति को दे दिए, तीनों को दे दिए, मतलब इसके पापा को ज़्यादा दिए क्योंकि पेट भर जाए, ठीक है? और उसके बाद वैसे हमने हमारा मेरा ना पेट भरा ही हुआ था, फुल टंकी फुल थी, खीरा भी खा लिया, दूध भी पी लिया, पता नहीं और क्या लटम पटम खा के खाना, मतलब खाना खाने की इच्छा ही नहीं थी। तो फिर मैंने इनको लगी भुख तो इनको दे दिया मैंने। और उसके बाद जो है मैंने क्या किया, फिर मैं फिर उठी गई थी, तो फिर मैंने क्या मूड थोड़ा ठीक हो ही गया था है। और फिर के पापा भी काम पे लग गए, देखा ये कुछ नहीं कर रही, खाना ही नहीं बना रही, तो वो लग गए काम करने। फिर मैं मूड ठीक हो गया, फिर मैंने क्या किया कि चावल इनको फ्राई करके दिया, फिर मैंने हलवा भी बनाया। हलवा बना के फिर मैं बैठी, तो बस यही है। सरस्वती जिद कर रही थी, कह रही थी कि मेरे को बनानी है हक्का नूडल्स, तो आप उसका तड़का वड़का सब्जियाँ काट दो। पहले मैंने बोला था काट दूंगी, फिर मैंने कहा नहीं अब चावल सबको दे दिए मैंने, अब क्यों दे करना है, पेट तो भर ही गया ना, तो फिर अब क्या हक्का नूडल बनाने, मैंने कहा छोड़ो परा, फिर मैंने नहीं काटे। फिर चलो फिर बस इस तरह से था। और अभी देखो चाय हो चुकी है हमारी, और ये गर्मा गर्म पानी आग जैसा मेरे हाथ में है, ये देखो
एक मिनट, प्याज भी डाले हुए इसमें, ये देखो प्याज, ये प्याज तो मैं खा ही लेती हूँ, हल्दी वाला पाउडर है, ये हल्दी वाला वही जो मसाला मैंने बनाया था वही डाल के, मतलब मैं नींबू पानी पीती हूँ, कितना गर्म है, काफ़ी देर से रखा हुआ है, ठंडा ही हो गया, थोड़ा ठंडा ही हो गया है पर टेस्टी बहुत है, नींबू अच्छा डाला, नींबू डाला, नमक डाला और उसके बाद मेरा वाला मसाला डाला और प्याज डाला तो स्वाद हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है इस पीने में। इसी बहाने हल्दी भी शरीर में चली जाती है जो एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक होती है, तो ये मसाला अच्छा है वैसे जो मैंने बना रखा है, तो मैंने तो बच्चों को भी बोला कि तुम भी डाल के पी लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बना लूँगी। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, खाने में क्या बनाना है आज, कुछ अलग बनाना है फिर मैंने रोज़ ही अलग बनाना है, बहुत सारी रेसिपीज ऐसी हैं जो वॉच लेटर में डाली हुई हैं, जो अलग हटके हैं वही मैं धीरे धीरे ट्राई करती रहती हूँ, मतलब वैसे वीडियो देखी पसंद आई कि लगा मैं बना सकती हूँ तो वॉच लेटर में चली गई, उसके बाद मेरा मन करा बना, आज कुछ आप परांठे ही बनाएंगे हम लोग दोपहर के खाने में, पर थोड़ा अलग हटके बनाएंगे, ठीक है। तो बस अभी ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ के आ रही हूँ, मैंने बताया कि देखो 2 साल के एक बच्चे को भी हो गया कोरोना, और साथ में ये खबर थी कि जो है ना कई लोग दूध लेने सब्जी लेने बाहर जाते हैं तो वहाँ से कोरोना लेकर वापस आ गए, बताओ इतना, मतलब इतना सभी बाहर निकलने में खतरा, और वैसे भी जो दिल्ली में और पूरे इंडिया में केस बढ़ रहे हैं, 30,000 प्लस चले गए हैं पूरे इंडिया में, तो ये बढ़ ही रहे कम नहीं हो रहे हैं, तो लोग बेफिक्र होकर जो बाहर घूम रहे हैं ना, फिर जो सब्जी दूध लेने जाते हैं वो भी अगर ध्यान ना रखें तो कोरोना ही साथ लेके आ जाते हैं, तो यहाँ का इधर दिल्ली का ही केस है पालम में, पालम साइड का केस है कि वहाँ पे सब्जी दूध लेने गए और बाद में पता लगा कोरोना हो गया, वो कह रहे मैं तो बाहर निकलता ही नहीं, सिर्फ सब्जी और दूध लेने गया तो उससे भी कोरोना, आजादपुर मंडी में भी अब 10-11 केस आ गए तो वहाँ पे भी काम धंधा थोड़ा ठप हो गया है, हरियाणा में ये बढ़ रहा है तो हरियाणा में क्या बॉर्डर सील कर दिया गया है, अब सब्जियां वगैरह के ट्रक वगैरह नहीं आएंगे वहाँ से तो फिर दिक्कत होगी, मतलब वो बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली में नहीं आएंगे जाजपुर मंडी में, तो मुझे लगता है सब्जियां भी महंगी हो जाएंगी, क्या मुसीबत ये है, ठीक है। चलो फिर मैं ना अभी कर लेती हूँ काम अपना, ये पी लेती हूँ पहले बेचारा आधा ठंडा तो कर ही दिया है मैंने, मुँह धोना, कंघी करनी, ठीक है, टॉयलेट जाना, ये सब करके मैंने इसको आधा ठंडा कर दिया है, ठीक है। चलो मैं अब काम पे लग जाती हूँ अपने, ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर। यार चलो सारा सामान कट गया, देखो प्याज, एक प्याज लिया है, हरा धनिया, ये आपका है घिया, घिया मैंने धो के कद्दूकस करके इसका पानी निचोड़ लिया है, ये आलू है, 3 आलू लिए थे ना, उनको भी धो के छिलका उतार के और उसको भी कद्दूकस कर लिया है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ घिया और आलू का पानी है, ठीक है, इसको यूज़ नहीं करूँगी मैं, इसको सब्जी सब्जी में यूज़ कर लूँगी, ये तो मैंने ऐसे दिखा रहा हूँ, और ये मैंने ये क्यों रखा है, इसलिए रखा है कि ये खीरा जो है ना, ये कनिका साथी मुझे दे के गई है, साथी ने पहले खुद काट के खाया, फिर उसके लिए पापा के लिए और मेरे लिए और कनिका के लिए, तीनों के लिए उसने काट के, अभी अभी वो यहाँ से किचन से गई है, ये मेरे को दे गई है कि आप खा लेना, मैं कहा चल ठीक है मैं खाती हूँ, ये आटा है मेरा, इसको एक बार दोबारा से गूंद लेंगे, एक बार थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, ये रहा बाउल जिसमें सारा कुछ ऐड करना है और मसाले ऐड करने हैं, तो चलो शुरू कर देते हैं, बहुत देर हो गई पहले ही, सबसे पहले डालते हैं इसमें प्याज, ठीक है, कटोरियाँ बहुत सारी खाए मैंने कर ली हैं, ये रखो आलू का, आप चाहो तो उबले आलू भी ले सकते हो, उसको छील के मैश करके ले सकते हो, पर मेरे पास टाइम नहीं था इतना, तो मैंने कहा ऐसे ही ले लेते हैं, चलो ये भी है आपका घिया और ये है आपका धनिया, सारा कुछ ऐड कर लिया है मैंने, अब बस मसाले ऐड करने हैं और कुछ नहीं करना है, मसाले ऐड करके फिर जो है अच्छे से हाथों से मैश कर लेना है, बना लिया मैंने इसको, मैं 10 मिनट का रेस्ट करा देती हूँ, ढक्के रख देती हूँ, ठीक है, और उसके बाद जो है ये सामान है, ये जो ये है आपका धनिया, आलू, प्याज और घिया, घिया को पहले कद्दूकस करना है और आलू को भी मैं कद्दूकस ही करूँगी, उबाल भी सकते हो आप, उबले हुए आलू भी ले सकते हो, पर मैं कद्दूकस करके काम चला लूँगी, ठीक है, घिया को वो करके कद्दूकस, उसका पानी निकाल के अलग रखना है, ठीक है, इतना काम कर लेते हैं पहले, चलो लग जाते हैं अपने काम पे, शुरू कर देते हैं, ये देखिए मसाला, इसमें मेरा थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर था तो मैंने इसमें थोड़ा 2 बड़े चम्मच बेसन भी डाल दिया, थोड़ा उसका भी टेस्ट आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है, तो अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ, जो आटा था आटे में, आटे को दोबारा से एक बार दोबारा गूंद लिया है, मैंने कहा था ना बाद में एक बार और गूंद लो तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो अब चलो हम इसके बनाने शुरू कर रहे हैं परांठे, आज हमारे बन रहे हैं घिया के परांठे, ठीक है, इसमें आलू भी मैश करके डाला, आपको पता है प्याज भी डाला, हरा धनिया भी डाला है,
तो घिया के परांठे जो है वो बन रहे हैं। चलो देखते हैं, बना रही हूँ मैं, बेल रही हूँ, बना के दिखाती हूँ आपको। बड़ा पेड़ा लिया है तो मैं सोच रही जो है बड़ा परांठा बनाएंगे आज, क्योंकि ये थोड़ा अलग हटके परांठा है, देखते बनता कैसे है। कभी खाया नहीं मैंने घी का परांठा, पहली बार बना रही हूँ। ठीक है, तो इसको हम बेल लेते हैं और फिर मैं बना के दिखाती हूँ आपको पूरा। ठीक है, मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले नमक शमक डाल देते हैं। नमक शमक डल गया। अब डालनी पड़ेगी लाल मिर्च, आप चाहो तो हरी भी डाल सकते हो, पर मेरे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी मैं अजवाइन भी डाल लेती हूँ, अजवाइन में कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा सा मैं ये डाल रही हूँ चाट मसाला। एक मिनट में चाट मसाला निकाल लूँ पहले। ये रहा चाट मसाला, थोड़ा सा डाल लो, स्वाद लगेगी, थोड़ा सा डालो। चलो चाट मसाला, और उसके बाद थोड़ा सा हम ये पुदीने वाला, मेरा ये पड़ा है, थोड़ा सा मसाला ये डाल लेती हूँ पुदीने वाला। ये देखिए, बस अब इन सबको मैच कर ले, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से हाथों से, ताकि अच्छे से सारे में चला जाए। उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं परांठे। बना रही हूँ, ऊपर डाल दिया इसके ऊपर, ये सारा इतना ये डाल लिया। अब इसके ऊपर एक और ये डालूँगी मैं, ये देखिए इसके ऊपर मैंने दूसरा डाल लिया है ये वाला। इसको दबा दबा के हम इसको इस तरह कर लेंगे, तो ये बहुत तगड़ा परांठा बनेगा जल्दी, मतलब एक दो से एक पेट भर जाएगा। ये देखिए दबा दबा के हमने इसको इस तरह कर लिया। चलो अब मैं इसको पलट देती हूँ। मैं घी लगाती हूँ एक साइड में, यही वाला। सचित ये कौन सा लेना बता जल्दी कर। अगला वाला। ये वाला नहीं ले रही, आधा रुकी वो वाला दे दो पूरा। तो इसको मैं घी कैसे लगाना है फिर? उतार के ना वर्जिन में। अच्छा ठीक है, चलो ये स्वाति के लिए स्पेशल बन रहा है, क्योंकि वो घी वाला नहीं खाएगी, वो बस उतरने के बाद उसको एक्स्ट्रा वर्जन तेल लगा के खाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसको बना लेती हूँ। कितना बड़ा परांठा बना रही हूँ, और ये देखिए इसके अंदर मैंने इस तरह ये दो लेयर का है, दो पेड़ों से बनाया है, बीच में मैंने मसाला भरा है। थोड़ा सा ना मॉइस्चर वाला था, मैंने कहा पता नहीं बने ना, पर इस तरीके से भी बन ही सकता है कि दो परांठ दो पेड़ों के दो दो रोटी बेल के बड़ी बड़ी, उसके बीच में परांठा भर के बनाया मैंने, और ये देखते हैं कैसा बनेगा। ये देखिए जम्बो परांठा, एक एक से पेट भर जाएगा, इतना तगड़ा परांठा है ये। ठीक है, ये पूरा बन जाए फिर दिखाती हूँ आपको, इसको खाएंगे दही के साथ। लीजिए स्वाति का परांठा बन गया, ये देखिए इतना बड़ा परांठा। ठीक है, इसको लगाना है एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल ऊपर, इसने घी नहीं लगवाया, ये कह रही मैं ऐसे ही खाऊंगी। चलो इसको हम साथी ले जा, हाथी पुत्र ले जा बेटा, पति का परांठा रेडी है, साथी को बुला रही हूँ आके ले जाएगी। मैंने खा के देखा है, इसमें घिया का भी टेस्ट आ रहा है, आलू का भी टेस्ट आ रहा है, और मैंने बेसन डाला उसका भी टेस्ट आ रहा है, तो बड़ा स्वाद लग रहा है।